स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। तो आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, सेकेंड वन इज एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक। तो सवाल ये उठता है कि व्हाई वी शुड स्टडी देम, हमको ये पढ़ना क्यों चाहिए। तो आप देख सकते हैं हियर इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको तीन क्लास में डिवाइड किया हुआ है और ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में लेंगे हम लोग एंटी एरोमेटिक। देखिए नाम से ही चल रहा पता कि विच इज अपोजिट टू एरोमेटिक्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सिंपली लीस्ट स्टेबल और वी कैन से अनस्टेबल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द गिवन स्ट्रक्चर शुड हैव रिंग, मींस कंपाउंड के अंदर रिंग होना चाहिए, इट शुड बी साइक्लिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट इज दैट द गिवन कंपाउंड शुड बी प्लेनर इन नेचर, यानी उसके अंदर रिंग के अंदर जो भी एटम आ रहे हैं, कार्बन आ रहा है या कोई अदर एटम आ रहा है, दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। The given structure should be conjugated, यानी उसके अंदर conjugation होना चाहिए। तो हम लोग बार डिस्कस करता हूँ, A double bond B, single bond C, third जो atom होगा C, उसके ऊपर odd electron present है, तो वो conjugation कहलाएगा। वहाँ पर plus charge है, तो वो conjugation कहलाएगा। अगर third atom पर A double bond B, single bond C, और उस पर lone pair या minus charge आपको दिखाई दे रहा है, then it will also be conjugated, या फिर यहाँ पर third के साथ में double bond आ रहा है, तो वो भी conjugation कहलाएगा। तो ये condition आपको apply करनी आनी चाहिए, conjugation। अगर compound के अंदर conjugation है, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। And fourth point is that the given structure or compound should satisfy Huckel's rule. अब हकल रूल क्या होता है, हकल ने एक पाई इलेक्ट्रॉन के लिए रूल दिया था, डेट इज नोन एज हकल रूल, और ये वैल्यू होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स द गिवन स्ट्रक्चर जो भी आपको रहेगा उसके अंदर आपको पाई इलेक्ट्रॉन देखना है कि वो वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। और ये वैल्यू क्या होती है, तो आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है एरोमेटिक के लिए 2 से 2 के बाद 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, 14 आ रहा है, 8 आ रहा है, आपको हर बार यहाँ पर 4 प्लस करते जाना है। देखिए यहाँ पे 4 प्लस किया तो 6 हुआ, फिर 4 प्लस किया 10 किया, फिर 4 प्लस किया 14 हुआ, फिर 18 हुआ एंड 22 ऑनवर्ड्स। तो ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल जाते हैं, देन यू कैन से द गिवन स्ट्रक्चर कंपाउंड इज सेटिस्फाइंग हकल्स रूल, यानी कि उसके अंदर जो हकल रूल बोलता है कि इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये वैल्यू अगर आपको दिखती है तो आप बोल सकते हैं यस इट इज फॉलोइंग हकल्स रूल। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये चारों पॉइंट फुलफिल करने ही चाहिए। किसी भी टाइम अगर आप देखते हैं कि चार में से कोई एक पॉइंट जो लैग कर रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है, सर चार पॉइंट है, पहला नहीं मिल रहा है, तीन बात के मिल रहे हैं, नहीं होगा। सर स्टार्ट के तीन मिल रहे हैं, लास्ट का नहीं मिल रहा है, नहीं होगा। सर बीच का वाला मिस है, नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है चारों पॉइंट जो हैं ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, उस स्ट्रक्चर में दिखने चाहिए, होने चाहिए, देन योर कंपाउंड और स्ट्रक्चर विल बी एरोमेटिक इन नेचर। हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर बेंजीन दिया हुआ है, तो बेंजीन को हम देख के बोल सकते हैं कि सर हमको ये चार पॉइंट ढूंढने हैं। तो देखिए पहला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया है, आप मान लीजिए स्ट्रक्चर बेंजीन है ही नहीं, तो उस स्ट्रक्चर को फोकस करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके अंदर रिंग है, हाँ साइक्लिक है, रिंग है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्लेनर है। तो प्लेनर होने के लिए आपको देखना है कि रिंग के अंदर सारे के सारे एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। आप देख पा रहे हैं रिंग जो है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन और ये होमोसाइक्लिक कहलाती है, तो यहाँ पे सारे कार्बन, ये वाला कार्बन, ये सब कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। बेंजीन इज प्लेनर इन नेचर, फ्लैट होता है बेंजीन, तो यहाँ पे ये प्लेनर है, तो आंसर है हाँ ये प्लेनर है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये कंडीशन जो हमारी है यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, लेकिन हमको तो ये फॉलो कराना है। तो आइए देखते हैं, यहां शुरू करते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के बाद फिर से आ गया है डबल बॉन्ड,
देखिए ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन है, तो यहाँ पे सी के बाद थर्ड के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर से देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड आ गया है, फिर यहाँ से देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी फिर डबल बॉन्ड आ गया है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड देखिए सी फिर डबल बॉन्ड। तो द होल सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड। आप जानते हैं बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहता है, इट इज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हमेशा घूमता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, साइक्लिक है सर, कंपाउंड में रिंग है तो रिंग है, उसके बाद बात करते हैं कि सर स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपने कहा ओल्ड कार्बन सर sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर होगा, फिर आपने बोला सर सिस्टम कैसा है कॉन्जुगेटेड है, उसके बाद आप बोलते हैं कि सर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, आप जानते हैं वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट ऑफ टू पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा हमेशा, तो यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड है इट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर देयर, तो देखिए फिर से यहाँ पे आ गया है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये समरी जो हमने बनाई है ये चारों पॉइंट कवर करती है, गिवन स्ट्रक्चर इज साइक्लिक इन नेचर, रिंग है इसके अंदर, प्लेनर है ये, तीसरा पॉइंट है कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, आप देख पाए डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, और चौथा पॉइंट है इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो चारों कंडीशन पूरी कर रहा है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मींस इट विल बी एरोमेटिक इन नेचर, और आप तो जानते हैं बेंजीन एरोमेटिक होता है। आइए सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं इट हैज रिंग, इसके अंदर रिंग है, साइक्लिक है, तो मेंशन करेंगे साइक्लिक। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ये प्लेनर है, तो आप देख रहे हैं कि सारे कार्बन जो है ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, आपको आप जानते हैं कि जब भी कार्बन डबली बॉन्डेड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कहलाता है, एंड हियर ऑल कार्बन ऑफ दिस स्ट्रक्चर दीज टू रिंग्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये प्लेनर भी है। उसके बाद बात करते हैं कि सर क्या कॉन्जुगेशन है, तो आंसर है कि हाँ यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है, और चौथा पॉइंट हमारा था कि यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखिए आपको बताया था, आप जानते हैं कि एक डबल बॉन्ड जो होता है इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आर देयर। तो देखिए फिर से देखिए पोज करके देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा चारों पॉइंट यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं स्ट्रिक्टली, दैट मींस दिस स्ट्रक्चर विल बी एरोमेटिक इन नेचर। नेफलिन होता है जो आप कपड़ों में यूज करते हैं एंटी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मॉथ रिपेलेंट होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्या इसके अंदर रिंग है, तो आपने कहा रिंग है, उसके बाद आपने कहा कैसा है, तो आप देख पा रहे हैं ये प्लेनर है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, हाँ सर यहाँ से देखिए तो यहाँ तक अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, उसके बाद इधर से देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, ये ना प्लस चार्ज कंडीशन पूरी कर रहा है, देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, तो आप किसी भी साइड से देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो ये होगा कॉन्जुगेटेड, यस इट इज कॉन्जुगेटेड। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो आपने कहा कि सर 3 डबल बॉन्ड है, इट मींस इट विल हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए फिर से देखिए पॉज करके देखिए चारों कंडीशन पूरी कर रहा है, इट मींस दैट स्ट्रक्चर विल बी एरोमेटिक इन नेचर। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, तो सर कॉन्जुगेशन है, रिंग तो उसके अंदर दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करना है, रिंग है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्लेनर है, यस इट इज प्लेनर इन नेचर, उसके बाद बोलेंगे सर कैसा है कॉन्जुगेटेड है, हम लोग देख चुके हैं हमारी जो कंडीशन है कॉन्जुगेशन की वो फुलफिल कर रहे हैं ये वाली, और उसके बाद हाउ मेनी पाई, तो आंसर है सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, भाई एक डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड पहले तो 2 पाई, अब देखिए चारों कंडीशन पूरी कर रहा है, इट मींस ऑल दीज 4 विल बी एरोमेटिक इन नेचर।